हरियाणातील सत्ता स्थापनेचा तिढा अखेर सुटलेला आहे। भाजप आणि जननायक जनता पार्टीचं सरकार सत्तेत येणार असल्याचं स्पष्ट झालेलं आहे। सरकार स्थापनेसाठी अखेर भाजपला जननायक जनता पार्टीनं पाठिंबा दिलाय। जेजेपीचे नेते दुष्यंत चौटाला यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीनंतर भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये माहिती दिलेली आहे। हरियाणात भाजपचा मुख्यमंत्री तर जेजेपीचा उपमुख्यमंत्री असेल असंही त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और जेजेपी के नेताओं की एक मीटिंग हुई और हरियाणा की जनता ने जो जनादेश दिया है उसको मद्देनजर रखते हुए, वो जनादेश का स्वीकार करते हुए दोनों पार्टियों के नेता ने ये तय किया है कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी, श्री दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी, दोनों मिलकर सरकार बनाए। ये सरकार में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के होंगे और उप मुख्यमंत्री जेजेपी पक्ष के होंगे और कई सारे निर्दलीय विधायकों ने भी एक गठबंधन को अपना समर्थन दिया है। कल भारतीय जनता पार्टी के विधिवत नेता चुनने के बाद सरकार बनाने की आगे की प्रक्रिया तुरंत ही शुरू कर दी जाएगी और अगले 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार हरियाणा के विकास को मोदी जी के नेतृत्व में आगे ले जाएगी। जो इस बार 2019 विधानसभा हरियाणा का जो मैंडेट मिला, जो जनादेश मिला, उसका हम एक प्रकार से स्वीकार करते हैं और चूंकि उस मैंडेट में बहुमत इस नाते से भारतीय जनता पार्टी पीछे रही, 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं और एक स्थायी सरकार देने के लिए निश्चित रूप से हम लोगों ने तय किया है कि आपस में मिलकर के गठबंधन करके सरकार को चलाया जाए ताकि एक स्थायित्व सरकार को मिले। और स्वाभाविक रूप से जैसा हरियाणा का इतिहास है, हम लोग पहले भी एक दूसरे का समर्थन करते आए हैं, गठबंधन भी हम लोगों ने किए हैं, समर्थन भी किए हैं, सरकार चलाई है, तो स्वाभाविक रूप से इस सरकार को चलाने के लिए हम लोगों ने इस गठबंधन को आगे रखा है। अमित शाह जी का, नड्डा जी का धन्यवाद करूंगा कि प्रदेश को एक स्टेबल गवर्नमेंट मिले, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का साथ आना जरूरी था। हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव ने, लेजिस्लेटिव बोर्ड ने, सब ने मिलकर ये निर्णय किया कि प्रदेश के हित के लिए आज स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है और मैं ये मानता हूँ। हरियाणामधील जननायक जनता पार्टीचे अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला यांचे वडील अजय चौटाला यांना 2 आठवड्यांसाठी जेलमधून फर्लो रजा मिळालेली आहे। अजय चौटाला संध्याकाळी किंवा उद्या सकाळी जेलमधून बाहेर येणार आहेत। सध्या ते दिल्लीतील तिहार जेलमध्ये आहेत। हरियाणामधील ज्युनियर बेसिक ट्रेंड शिक्षक भरती घोटाळ्याप्रकरणी अजय चौटाला यांना तुरुंगवासाची शिक्षा झाली आहे। हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री आणि INLDचे अध्यक्ष ओमप्रकाश चौटाला आणि अजय चौटाला यांना CBIच्या विशेष कोर्टानं प्रत्येकी 10 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती।